हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल न्यूज़ में। आपको पता है इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे जगह जगह पर अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं, इसीलिए यूपीएससी के पास काफ़ी स्कोप है क्वेश्चन पूछने का। और पिछले कई सालों से अगर आप पेपर देखेंगे तो कोई ना कोई फेस्टिवल पूछा जाता है, और कोई फेस्टिवल अगर न्यूज़ में हो तो वो खासकर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइन, तो ऐसा ही एक फेस्टिवल न्यूज़ में बोनालू फेस्टिवल, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब आपके इस वीडियो में मिल जाएंगे। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो यही बेसिक न्यूज़ में क्यों है, तो बोनालू फेस्टिवल इस वक्त चल रहा है, मनाया जा रहा है तेलंगाना में, इस वजह से न्यूज़ में है। हर साल ये इसी वक्त मनाया जाता है, जून जुलाई अगस्त के महीने में पड़ता है ये तेलुगु कैलेंडर के हिसाब से, तो ये एनुअल फेस्टिवल है। आगे देखते हैं इसके बारे में अदर फैक्ट्स। तो बोनालू क्या है, एक एनुअल थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। इसी लाइन में आपको दो फैक्ट मिल गए जो इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि एनुअल है ये, हर साल होता है, ठीक है। दूसरा, ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर, आपको पता होगा जितने भी फेस्टिवल होते हैं सबका एक नेचर होता है। कुछ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं कि फसल अच्छी हो गई तो मनाया जाता है, कुछ मार्शल आर्ट वाले फेस्टिवल होते हैं, राइट, तो सबका एक नेचर होता है। इसी तरह बोनालू का नेचर क्या है, थैंक्स गिविंग, ये आपको याद रखना है। पहला कि एनुअल है, दूसरा ये थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। फाइन, थैंक्स गिविंग का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो डेवोटीज़ होते हैं वो थैंक्स बोलते हैं गॉडेस को उनकी वर्शिप करके, क्योंकि उन्होंने उनकी विशेस को ग्रांट किया है, ठीक है, इस वजह से थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है। और ये तेलंगाना में मनाया जाता है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि तेलंगाना में मनाया जाता है, पर्टिकुलरली हैदराबाद और सिकंदराबाद सिटीज़ में, ठीक है, लेकिन तेलंगाना आपको याद रखना है कि तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पे स्लाइड का नाम है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इसका ये मतलब नहीं है पीछे जो मैंने बताया वो इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को स्पेशली हाईलाइट किया है कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के 200% चांस हैं, ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं पहले एग्ज़ाम में इस वजह से। जैसे लोकेशन अक्सर पूछा जाता है कि कोई फेस्टिवल है वो कहाँ मनाया जाता है, अगर चार फेस्टिवल लिखे हैं तो मिलाने को दे दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक, तो आपको याद रखना है जो बोनालू फेस्टिवल है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, पहला फैक्ट आपको याद रखना है। दूसरा, इसका नेचर मैंने अभी पीछे भी हाईलाइट किया था कि थैंक्स गिविंग है, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट या मार्शल आर्ट इस टाइप का नहीं है, थैंक्स गिविंग है। सेंट्रल थीम क्या है इसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल थीम इसका है वर्शिप ऑफ गॉडेस येलेम्मा। गॉडेस येलेम्मा कौन है, ये गॉडेस महाकाली का एक रीजनल फॉर्म है, मतलब इस रीजन में, तेलंगाना रीजन में महाकाली को ही येलेम्मा के नाम से जाना जाता है, तो गॉडेस येलेम्मा आपको याद रखना है कि जो बोनालू फेस्टिवल है इसका सेंट्रल थीम क्या है, वर्शिप ऑफ गॉडेस येलेम्मा, महाकाली की पूजा होती है पूरे फेस्टिवल में। तो ये जो फैक्ट हैं ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। इन फैक्ट्स के अलावा कुछ एसोसिएटेड टर्म्स भी हैं यहाँ पर, जैसे आप पहला टर्म देख रहे हैं पोथा राजू लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है, ब्रदर ऑफ गॉडेस येलेम्मा। जो मेल डिवोटीज़ होते हैं वो इन रिचुअल्स के दौरान, फेस्टिविटीज़ के दौरान ड्रेसअप होकर तैयार होते हैं एज ब्रदर ऑफ गॉडेस येलेम्मा, उनको पोथा राजू बोलते हैं। दूसरे एक टर्म है इसी फेस्टिवल के अंदर, बोनम। बोनम जो है वो संस्कृत टर्म से आता है भोजनम, जिसका मतलब होता है खाना, तो यहाँ पे इस फेस्टिवल के दौरान जो ऑफरिंग दी जाती है गॉडेस येलेम्मा को, उसको बोनम कहते हैं। फाइन, इसके अलावा इस फेस्टिवल के दौरान एक प्रोसेशन निकलता है, एक जुलूस निकलता है, उस प्रोसेशन को पहारम बंदी कहते हैं, ठीक है। ये तीन टर्म है इसी फेस्टिवल से एसोसिएटेड हैं, ऐसा नहीं है ये सारे टर्म्स मैंने किसी स्क्रिप्चर से रिसर्च करके निकाले हैं आपके लिए फैक्ट्स बढ़ाने के लिए, ये न्यूज़ में मेंशन ही थे, ठीक है। और अगर न्यूज़ में मेंशन है तो यूपीएससी पिक कर लेता है, पूछ लेता है कि टर्म देखा गया था क्या है, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो 2021 का जो यूपीएससी का पेपर था उसमें केरला के एक फेस्टिवल पे काफ़ी डिटेल में पूछा था यूपीएससी ने। फाइन, तो अगर कोई फेस्टिवल वगैरह न्यूज़ में रहता है तो उसके अंदर भी यूपीएससी पूछ सकता है। तो ये तीन टर्म क्योंकि न्यूज़ में ही मेंशन थे तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, पोथा राजू क्या है, ब्रदर ऑफ गॉडेस येलेम्मा, बोनम क्या है, ऑफरिंग को कहते हैं, पहारम बंदी क्या है, उस प्रोसेशन को कहते हैं जो निकलता है फेस्टिवल में। फाइन, ये तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं, बाकी फैक्ट्स के अलावा पीछे सारे फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइन, तो इसके साथ जितने भी पॉसिबल फैक्ट्स से पॉसिबल एंड रीजनेबल जो जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आपको सब समझ में आ गया हो, और अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप आई होप सारे जवाब दे पाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन टेक केयर।